2014 में जब बीजेपी का सरकार में आने वाले नरेंद्र मोदी बड़े वादे करें, कांग्रेस कई की कल्चर है, करप्शन का कल्चर है, स्कैम का कल्चर है, हम आएंगे तो इस हिंदुस्तान में एक नई जागृति लाएंगे, जो काला धन लूटे वो काला धन लाऊंगा, हर एक के अकाउंट में 15 लाख जमा करूंगा और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देऊंगा। बोला दोनों में भी फेलियर हुआ। आखिरी में हालत ऐसा हो गया, जो नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का जो बैंकों को लूटा, पैसे लूट लिया और हिंदुस्तान से भाग गया। उस आदमी को पकड़ने के वास्ते 2018 में इंटरपोल को दिए, अभी तक उसको कोई पकड़े नहीं, कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। मगर मैं एक मुबारकबाद देता हूँ एक मीडिया के पर्सन को, वो आइडेंटिफाई करा, ये नीरज मोदी है, ये इसका सोने का दुकान है। तो इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होना भैया? नरेंद्र मोदी, तुम्हारी पुलिस क्या कर रही, तुम्हारी CBI क्या कर रही, तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या कर रही? चोरों को भिजा देते दूसरे देशों में, उनको पकड़ने का दम नहीं, इस वाला देश को क्या चलाता रहे भैया? आज देश में जम्मू कश्मीर में सिपाही लड़ रहे हैं, जानों की कुर्बानी दे रहे, उसका भी क्रेडिट ही नहीं ले रहा, मर रहे लड़ रहे और सिपाहियों का काम को भी ये बोल रहा मैं कर्म बोल के। अब इससे ज्यादा क्या भेजे? नरेंद्र मोदी को जितना जल्दी लाओ और जितने भी लूट के चले गए विजय माल्या से लेके जितने भी लोग, सबको ला के यहाँ पकड़ो, ताकि लोगों को पता चलता ये नरेंद्र मोदी की सरकार का काम कुछ नहीं करता, बड़े बड़े बातें करता और उनको नींद में कहती पाकिस्तान दिख रहा बोलता। अरे हमको नींद में कही कि उग्रवादी दिख रहे, इसको पाकिस्तान दिखता। बातें बोलने में छोड़ दो, अगर जो मीडिया का पर्सन जो आइडेंटिफाई करा उसको अवार्ड भी देना, ताकि दूसरे दिनों में जब कभी मौका मिलेगा कोई चोर बट्टेबाज काम करा तो मीडिया वाले उसको आइडेंटिफाई कर सकते, पुलिस नहीं कर सक रही, इंटेलिजेंस नहीं करा, मीडिया वाले करा, मैं उसको दिली मुबारकबाद देता हूँ और उसको अवार्ड भी देना चाहिए। यार एक नई माहौल क्रिएट कर रहा हिंदुस्तान में, ये पहला स्टेट है, हर स्टेट में अपोजिशन रहने का देखते हैं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहने के बाद किसी को आना जाना नहीं, कोई एक दो कमाई तो कर सकते, इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने के बाद कांग्रेस वालों को भी खत्म करना, अपोजिशन नहीं रहना। अरे भैया कितने लोगों को लेता रहे भाई, कितने लोगों को? तू बोर्ड में जितने लोग बैठना उतना ही बैठे तो रहता, बोर्ड में ज्यादा लोग बैठा तो बोर्ड डूब जाता। रे भैया तू जितना लेना है ले ले, मगर उनको भी सोचना चाहिए जो MLA जा रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, एक पार्टी से जीतते दूसरे पार्टी में कपड़े बदल कर देते, एक दिन आएगा आवाम में रिवोल्ट आएगा, ऐसे जूते गिरेंगे इन लोगों को आज नहीं तो कल, पब्लिक में जिस दिन रिवोल्ट आएगा। हमारे वोटर को इंसल्ट कर रहे आप, वोट में एक को डालते हो उन्हें भाग जाता, उसका क्या जरूरत है? वोट जाते तो हाथ को वोट डालो बोलते, उसके बाद तू जाके मोटर में बैठे तो आवाम एक ना एक दिन पलट जाएगा, एक ना एक दिन लीडरों को सबक सिखाने का काम आएगा। आने वाले दिनों में जिस दिन KTR चीफ मिनिस्टर बनेगा उसके बाद उसका जो पार्टी उसकी सरकार डाउन में जाएगा, लोग भाग के चले आएंगे और रिवोल्ट आएगा उसके पार्टी में, सुनामी हमारे से डरा हुआ है ना, तेरे पार्टी में खुद सुनामी आएगा आने वाले दिनों में। राइट।